हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द क्रिप्टो ट्रैकर्स इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ कॉइन लिस्ट पे आपको कैसे रजिस्टर करना है और कैसे वेरिफिकेशन करना है, केवाईसी में कैसे वेरीफाई करना है। तो रिसेंटली मैंने अपने टेक्रो ब्लॉग पे एक नया पेज निकाला है जिसपे मैं बताता हूँ कि अपकमिंग कौन से पोटेंशियल आईसीओज है। जैसे कि हमें पता है कि डेली 100 से ज़्यादा आईसीओज होते हैं, राइट। तो उसमें से मैं कुछ पोटेंशियल आईसीओज जिसके प्राइसेस 5 to 10 times बढ़ सकते हैं इन फ्यूचर इंस्टेंटली आफ्टर लॉन्च, उनका मैं एक लिस्ट निकालता हूँ। तो ये लिस्ट जैसे यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है कैस्पर टोकन सेल्स के बारे में, जेन टोकन सेल्स के बारे में, रेडी मीना टोकन की सेल होने वाली है कल, ठीक है। तो इसके साथ मैं ये भी बताता हूँ कि अगर ये बाई चांस आप खरीद नहीं पाए तो आप इसे कहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, रैली जो है वो हॉटबिट क्विकॉन से खरीद सकते हैं, जेन टोकन है MXC पे आ गया है वहां से खरीद सकते हैं, मीना टोकन सेल की अभी सेल चल रही है कॉइन लिस्ट पे। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट आ रहा है कि कॉइन लिस्ट पे रजिस्टर और KYC वेरीफाई कैसे करना है, ठीक है। जनरली मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देता हूँ, मैंने यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दिया हुआ है कॉइन लिस्ट का। तो आपको क्या करना है, उस कॉइन लिस्ट का लिंक जो रेफरल लिंक दिया हुआ है उस लिंक को आके यहाँ पे पेस्ट कीजिए ब्राउजर में और एंटर दबा दीजिए। इसका ये फायदा होगा रेफरल कोड का कि आपको जब आप ट्रेड करेंगे $100 तो आपको $10 प्रॉफिट मिल जाएंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई। अभी यहाँ पे क्या है, हम कॉइन लिस्ट पे जा रहे हैं। तो कॉइन लिस्ट पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं आपको एक अपनी दूसरी डमी आईडी से पूरा अकाउंट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आप मेरा दिया हुआ लिंक खोलेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वेलकम टू द कॉइन लिस्ट। जैसे इसमें बताया हुआ है कि $10 BTC $10 in BTC यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट एंड ट्रेड एटलीस्ट $100 ऑफ एसेट इन सिंगल ट्रेड, यूजली टेक्स 5 minutes टू गेट अप सेटअप, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पहले रजिस्टर करना है, राइट। तो रजिस्टर करने के लिए मैंने एक टेम्प्रेरी मेल उठा लिया, ठीक है। मैं आपको बस करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। पहले अपना नाम डालो, लास्ट नाम डालो, ईमेल आईडी डालो, उसके बाद पासवर्ड डालो। पासवर्ड थोड़ा सिक्योर डालना, कॉमन मत डाल देना, ओके। ये पासवर्ड आप अपने पास कहीं और लिख के भी रख लेना और क्रिएट अकाउंट पे क्रिएट कर दो। जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दो एक वेरिफिकेशन मेल आपके मेल आईडी पे चल जाएगा, वहां से आपको मेल वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दी है, राइट। तो अब ये जैसे ही लोड हो जाएगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मेरे मेल आईडी पे एक कॉइन लिस्ट का मेल आ जाएगा कि प्लीज वेरीफाई योर मेल एड्रेस। तो मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने अपना मेल एड्रेस वेरीफाई कर दिया। अब ये मेरा मेल एड्रेस हो गया वेरीफाई, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा वहां पे भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपना कॉइन लिस्ट अकाउंट पे रजिस्टर कर लिया। अब कॉइन लिस्ट अकाउंट पे रजिस्टर करने के बाद कोई भी अगर ट्रेडिंग करनी है, वॉलेट में पैसा डालना है, USDC डालना है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी डालनी है, तो मेरे को सबसे पहले अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी KYC वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी मैं कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी की सेल ICOs प्री सेल में पार्ट ले सकूंगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई। तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किया। अभी मैं आपको पूरा डमी करके दिखाऊंगा, जितनी भी चीजें मैं सारी डमी करके दिखाऊंगा, आप एक बार देख लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा और आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अब सबसे पहले तो कह रहा है कि कौन वेरीफाई कर रहा है, तुम कोई कंपनी हो या एक पर्सन हो या ट्रस्ट हो। तो हम एक कंपनी, तो मैंने पर्सन किया, तो एक पर्सन पे क्लिक किया और मैंने अपना लीगल नाम डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे नाम डालने के बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे शेयर कर दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है मेरा कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है। अब इसका एक पर्पस है KYC में, ये तो जरूर पूछा जाता है। इसका एक पर्पस है कि जो कनाडा, चाइना और जो भी ऐसी कंट्रीज है जो क्रिप्टो करेंसीज की को मान्यता नहीं दे रखी है, तो अगर आप उस कंट्री से हैं तो ये आपको किसी भी सेल में पार्ट नहीं लेने देगा, राइट। तो जैसे कि आपका जो भी आप आईडी प्रूफ दोगे उसमें जो भी कंट्री है वो लिखी हुई है वो आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो वेरीफाई होगा। मैंने इंटर डाल के सेव एंड कंटिन्यू प्रोसीड कर दिया, राइट। अब आइडेंटिटी मेरे को डालनी है, ठीक है। तो मेरे को पहले तो फुल एड्रेस डालना है, क्योंकि मैं न्यू दिल्ली का हूँ तो मैंने न्यू दिल्ली डाल दिया इंडिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डालना है, राइट। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डालना है A to Z। जैसे कि अगर मेरा हाउस नंबर 3, ठीक है, और मैं डाल देता हूँ न्यू दिल्ली, और सिटी मैंने डाल दी न्यू दिल्ली, फिर यूनाइटेड स्टेट्स यानी इंडिया आ जाएगा मेरा, इधर स्टेट रीजन आ जाएगा दिल्ली, पोस्टल कोड 110017, ठीक है।
और अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारा वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट से। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट डालेंगे उसी हिसाब से आप अपने पूरे डिटेल्स डालेंगे, राइट। अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, मैं कुछ भी डाल देता हूँ रैंडम, ठीक है। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे कर रहा हूँ, क्लिक करूँगा, एक नंबर शॉर्ट रह गया, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब ये कह रहा है अपनी फोटोज डालो, अपनी वेरिफिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये वेरिफिकेशन ट्रूली प्राइवेट है, आप अपना डेटा किसी और को देके ना करें, आप खुद ही कीजिए। यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, उसने बोला कंट्री और रीजन, अब क्या देना है, पासपोर्ट देना है, ड्राइविंग लाइसेंस देना है, आईडी कार्ड देना है, जो भी देना है एच टू एच फोटो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आईडी कार्ड पे किया, उसने बोला टेक अ फोटो और प्रेफर टू यूज मोबाइल। अगर मोबाइल यूज करना चाहोगे तो ये आप जैसे इस पर क्लिक करोगे एक बार कोड आ जाएगा, ठीक है। इसे स्कैन करके आप सेम उस लिंक पे चल जाओगे और फिर आपको बस स्कैन करके कोड डालना पड़ेगा, स्कैन करके फोटोज खींचे डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मेरे को यहीं से फोटो ले लेता हूँ, मैंने टेक फोटो पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अपनी आईडी प्रूफ दिखा के कर दिया, ठीक है। अब वो कहेगा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आप कैसे दोगे, आप अपनी आपने आईडी दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको उसी आईडी से चल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आईडी देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता देगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको वो सारे चेक करने पड़ेंगे। ऑफिस स्टेटस यानी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं, राइट। तो आप जैसे ये सब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको 24 to 48 hours के बीच में, या उससे ज्यादा भी लग सकता है, पीक आवर्स में उससे ज्यादा भी लग सकता है, 7 दिन तक के बीच में आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा। और अगर वेरीफाई नहीं होगा तो आपके मेल एड्रेस पे ये आ जाएगा कि ये वेरीफाई क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, फिर वापस एक्स अकाउंट पे आना है और फिर ये सारे स्टेप फॉलो करना है, फिर अपना डेटा डालना है सही सही, ठीक है। वो आपको बता देगा कि कहाँ पहले फॉल्ट रह गया था, अगर आपकी आईडी में रह गया था। जनरली क्या होता है, आईडी में जो हमारा आधार कार्ड है उसको, मतलब आधार कार्ड को ही लेगा और या फिर पासपोर्ट को लेगा। अगर पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड है, आधार कार्ड में बहुत बार प्रॉब्लम करता है, राइट। और पैन कार्ड में तो करता ही करता है क्योंकि उसमें एड्रेस नहीं होता। तो ये चीज है, इस तरीके से आप कॉइनलिस्ट पे रजिस्टर कर सकोगे और केवाईसी वेरीफाई कर सकते हो। और जब ये दोनों आप कंप्लीट कर लोगे, बाद उसी के बाद आप कोई भी आईसीओ या वॉलेट पे पैसे डाल सकते हो, या आईसीओ खरीद सकते हो, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसका खुद का फीचर है प्रो ट्रेडिंग का, ठीक है। अब कॉइनलिस्ट प्रो की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपने कॉइनलिस्ट पे अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आप इसके कॉइनलिस्ट के अकाउंट के थ्रू ही इस पे लॉगिन कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि अपनी अभी मैंने केवाईसी वेरीफाई नहीं किया है तो शायद यहाँ पे मेरे को ट्रेडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। अब ये भी ज्यादा कुछ नहीं है, कॉइनलिस्ट प्रो के बारे में बता दूं तो एक सिंपल एक्सचेंज है। हाँ, यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि पहले अपनी आईडी वेरिफिकेशन कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे जो अच्छे टोकन है जैसे फ्लो टोकन है, एनयू है, ओएक्सटी है, एसकेएल है, तो ये सारे टोकन्स की अवेलेबिलिटी है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोई भी टोकन ट्रांसफर करते हो, एल्गो वगैरह, तो वो यहाँ से कर सकते हो, राइट। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक और लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था, वो क्वेश्चन ये था कि इसमें हम फंड्स कैसे ट्रांसफर करें, राइट। तो सबसे पहले तो हम कॉइनलिस्ट पे आ जाते हैं, हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड आदमी हैं, तो यहाँ पे मैं कॉइनलिस्ट पे आता हूँ, ठीक है। कॉइनलिस्ट के डैशबोर्ड पे अब वॉलेट में मैं गया, अच्छा यहाँ पे वॉलेट में मेरे को एंटर नहीं करने, तो चलिए मैं आपको पुराने अकाउंट में करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो ये मेरा पुराना अकाउंट है कॉइनलिस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास वॉलेट है। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई मैं कौन से कॉइन डिपॉजिट करूँ इसमें कि मेरा फीस कम लगे, या फिर वो पूछ रहे कैसे करूँ, मेरा फंड अब तक आया ही नहीं है। तो जनरली क्या होता है कॉइनलिस्ट पे, क्या है कि इनको ना थोड़ा रश हो गया अचानक से, मतलब अचानक से आईसीओस 10 times 5 times सब्सक्राइब होने लग गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है आईसीओ की, तो इनके ऊपर काफी प्रेशर आ गया, इनके सिस्टम्स पे काफी प्रेशर आ गया, तो थोड़ा फंड्स को डिपॉजिट होने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको अगर यहाँ पे कोई भी फंड डिपॉजिट करना है, ठीक है, आपको कोई भी आईसीओ खरीदना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, राइट। पैसे का मतलब है यहाँ पे हमारा क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जनरली हम बाइनेंस वगैरह पे रहते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें अगर हम बाइनेंस पे है तो हम यहाँ से फिएट स्पॉट पे जाएंगे। अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है, बस इतने ही है, ज्यादा वो नहीं है। तो इसमें जो हमारा सबसे बेटर रहता है ट्रांसफर के लिए वो है एल्गो। अब एल्गो क्या है, एल्गो क्रिप्टो करेंसी है जो कि काफी फास्ट है, राइट,
और इसकी ट्रांजेक्शन फीस भी सबसे कम है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बाइनेंस पे जाना है, यहाँ पे कुछ एल्गो परचेज कर लीजिए और फिर एल्गो पे करके यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अभी तो मेरे पास जीरो है, जनरली मैं यही एल्गो वहां पे भेजता हूँ। ठीक है, अभी एल्गो का सिस्टम मेंटेनेंस चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, एल्गो पे आप आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली एल्गो ट्रांसफर कर देना है। एल्गो यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे सिंपल एक डिपॉजिट का बटन है, डिपॉजिट के बटन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे उसको एड्रेस दिखा देगा और उस एड्रेस को सिंपली कॉपी कर देना, इस बटन पे क्लिक करके कॉपी करना, यहाँ पे डबल क्लिक करके कॉपी वगैरह मत करना, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन यहाँ पे कॉपी करने से ना कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉपी करके बस यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा होगा ना उस पर क्लिक करके पेस्ट कर देना ये एड्रेस और ट्रांसफर कर देना। ठीक है, जनरली 15 से 20 मिनट लगते हैं अगर आप बाइनेंस से कर रहे हो तो, अगर किसी और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से कर रहे हो तो वो उसका पता नहीं है, जो भी उसका विड्रॉल हिस्ट्री होगी ना वहाँ पे वो आपको दिखा देगा ट्रांजेक्शन हुई है कि नहीं, अगर उसकी ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हो गई है तो मतलब ट्रांजेक्शन शुरू हो गई है। ठीक है, और ट्रांजेक्शन शुरू होने के बाद 10 से 15 मिनट में फंड्स पहुंच जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूज कर रहे हो, अगर बाइनेंस कर रहे हो तो इंस्टेंट हो जाएगा, अगर कोई और यूज कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, और यहाँ पे डिपॉजिट पे शो होने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इनके सिस्टम पे काफी बर्डन पड़ गया है, क्योंकि ये आईसीओस कराने लग गए हैं बहुत सारे। ओके, चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉइनलिस्ट पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप कॉइनलिस्ट पे रजिस्टर कर सकते हैं, केवाईसी वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप दिए गए वीडियो लिंक से रजिस्टर करेंगे तो आपको $10 इन BTC मिलेगा अगर आप $100 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो। ओके, तो ये बात हो गई हमारी कि कॉइनलिस्ट पे कैसे रजिस्टर करना है, केवाईसी वेरीफाई कैसे करना है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी कैसे डिपॉजिट करनी है, और मैंने ये भी बता दिया कि आप एल्गो में डिपॉजिट करिए तो आपकी ट्रांजेक्शन फीस सबसे कम लगेगी और सबसे जल्दी पैसा पहुंच जाएगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।